देखो अभी पीठ घुमा दी है, शक्ल भी दिखानी है मौसी ने। अरे पहले गले तो लो मेरे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया हैं। बाय द वे, आज हम लोग रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं मम्मी तो पूरा हेलमेट वेलमेट पहन करके बैठ गई है, क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने मासी जी के घर एंड आई एम सो एक्साइटेड, बिकॉज मैं जब से हिमाचल में आई हूँ ना, तब से मैं मतलब मासी के पास एक बार भी नहीं गई हूँ। अक्टूबर में आई थी मैं एंड तब से लेकर के अब तक मैं एक बार भी नहीं गई हूँ। मम्मी तो फिर भी काफी बार हो आई है जब मैं भरमौर में गई थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है। सो आज हम लोग जा रहे हैं वहां पर, सो लेट्स गो। चल मेरी जोजो, इसको क्यों बांध दिया यार अभी? नहीं नहीं, बांध के सेफ रहेगा। अब यहाँ से आगे मैं और जो जाएंगे बाई वॉक और मम्मी लेकर के आएगी स्कूटी, क्योंकि आगे से जो रोड है ना वो बहुत पतला सा है, तो आगे फिर मम्मी नहीं लेके जा पाएगी हमें स्कूटी पे बिठा के। इधर 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 उधर नहीं उधर, वहाँ का उधर क्यों अट्रैक्ट कर रहा तुझे? बड़ा पसंद आ गया, देख ले फिर। ये वाला मेरी मासी का घर, ये हम पहुंच गए। हेलो, नमस्ते मासी जी। नहीं खाता नहीं खाता नहीं खाता नहीं खाता। जोजो, जोजो को प्यार नहीं किया मासी ने? जोजो को प्यार नहीं किया? फोन में तो इतना प्यार आता है आपको। ओए ओए, देख पूछ कैसे हिला रहा है ये। जोजो रुक गए। मौसा जी हटू हटू, ये तो आ ही नहीं रहे। मौसा जी अच्छा गले तो मिल लो मेरे। अरे पहले गले तो मिल लो मेरे। कुछ नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं। मौसा जी मेरी कुकिंग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर तो लंच की तैयारियां चल रही है, लेकिन मेरे मौसा मौसी दोनों इतना ज्यादा शर्मा रहे ना कैमरा के सामने। कैमरा ऑन होते ही चुप 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 चुप। देखो पीछे से कमांड आ रही है, टेबल पे बैठ जा। तो देखो अभी पीठ घुमा दी है, शक्ल भी दिखानी है मौसी ने। नहीं मेरी मासी बड़ी सुंदर है। आज लंच में स्पेशली बनी है कढ़ी और यहाँ पे है राजमा। क्या बात है। खाना यार इतना खा लिया ना, अब तो पूरा पेट फूल गया, मेरा सांस भी नहीं आ रही। मुझे इतना कुछ खाने में बना था और सब कुछ यम्मी यम्मी, तो अब बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते हैं एंड शाम के टाइम पे शायद से हम लोग मार्केट जाएं बैजनाथ, क्योंकि मासी की थोड़ी सी मेडिसिन खत्म हो गई है तो वो लेकर के आनी है। बाय बाय। तो अभी शाम की चाय आ गई है। ये इनके तीन घर है, एक तो ये वाला ऊपर भी बन रहा है, तो ऊपर वाला जो है फ्लोर ये नया बन रहा है, ये एक, ये दूसरा कच्चा वाला और ये तीसरा, मतलब हालांकि ये एक कमरा ही है। वैसे यहाँ पे कुछ मासी जी, मेरा कजन जब अंशुल बीमार था ना, जब वो कोविड पॉजिटिव था, तो उस टाइम पे उसने यही पे क्वारंटीन किया हुआ था, तो मतलब आप सोच सकते हो कि बेचारे ने कैसे यहाँ पर 20-25 दिन निकाले थे। इनका गांव भी जंगल में ही है, क्योंकि यहाँ से जहाँ भी देखो बस पेड़ 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 ही नजर आ रहे हैं। हम बिल्कुल हमारे गांव की तरह।
पता है ये कोरोना से पहले ना मुझे ऑफिस से लीव्स बहुत कम मिलती थी, बहुत ज़्यादा कम, तो मेरा हिमाचल में आना हो ही नहीं पाता था। मेरे से 2-3 दिन के लिए आती थी तो मैं फ़्लाइट से डायरेक्टली चंडीगढ़ तक आती थी एंड फिर उसके बाद फिर से मैं पुणे वापस चली जाती थी। एंड देन 2018 के बाद ना तो मैं अफ्रीका, पुणे, लॉकडाउन इन सब में बिजी हो गई। तो मैं हिमाचल जब लास्ट टाइम आई थी ना, एक तो मैं अक्टूबर 2020 में आई हूँ यहाँ पर, लेकिन इससे पहले मैं 2016 में आई थी। तो मुझे याद है जब 2016 में आई थी तब मेरे मौसा मौसी जो है वो धर्मशाला में रहा करते थे क्योंकि उनकी जॉब थी मौसा जी की, तो वो धर्मशाला में रहते थे उस टाइम पे। तो मैं धर्मशाला में उनके पास आई थी। तो जस्ट इमेजिन 2016 के बाद 2021 में जाकर के मैं इन लोगों से मिली हूँ। ओ गॉड, बहुत लंबे टाइम बाद मिली हूँ एंड सब कुछ बदल सा गया मेरे लिए, तो बहुत नया नया सा फील हो रहा है। और अभी भी जब मैं अक्टूबर में आई थी तो उसके बाद मैं नवंबर एक महीना अपने नाना नानी के पास रुक करके उसके बाद मैं भरमौर चली गई थी। एंड देन आपको पता ही है फिर उसके बाद की मेरी जर्नी, तो मुझे मौका ही नहीं मिल पाया इनके पास आने का। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इतने लंबे टाइम बाद इनके पास आने का। लेकिन क्या करें यार, ये लोग ना कैमरा शाई है तो ये लोग पसंद नहीं करते मीडिया में आने के लिए, तो इसलिए मुश्किल हो रहा है मेरे को थोड़ा सा ब्लॉग करना, शूट करना, क्योंकि इनको पसंद नहीं है तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। मासी का ना मैं एक टैलेंट दिखाती हूँ आप लोगों को, मतलब टैलेंट बोल लो या फिर हॉबी बोल लो। मासी जी को ना ये गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक है। आप देखो कितने सारे लगाए हुए हैं, यहाँ पर भी कितने सारे ये फ्लावर्स लगाए हुए हैं, मुझे तो इनके नाम तक नहीं पता है। मासी को पूछूंगी मैं जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे कैमरा के सामने। वहां पर भी है, यहाँ पर भी कितने सारे हैं, और यहाँ पर तो भाई ढेर लगा पड़ा है। देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स लगाए हुए हैं इन्होंने। और ये इनका छोटा सा किचन गार्डन, तो बेसिकली चाहे वो किचन गार्डनिंग हो चाहे नॉर्मल फ्लावर्स हो, तो मासी जी को ना इस चीज का बहुत ज्यादा शौक है। एक छोटा सा किचन गार्डन यहाँ पर भी है घर के पीछे से, जहाँ पर भिंडी, बैंगन, मिर्ची, टमाटर ये सब लगाया हुआ है। कहाँ पे? उधर कहाँ पे? हाँ, ये जो खेत दिख रहे हैं इधर से देखो, यहाँ पर भी है उनकी जमीन। हाँ, चलो काश आपको भी इस चीज का शौक होता आपकी भी ये हॉबी होती खाने का है, किचन गार्डनिंग और ये सब। पता है कितनी अच्छी चीज होती है हरियाली की, हरियाली और वैसे भी ये सब चीजें होना चाहिए। पहले तो यही वाला फ्लोर था इनका, लेकिन अभी ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो चलो ऊपर चलते हैं, चलो देखते हैं। मैंने भी नहीं देखा अभी तक। जो 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 पहले पहुंच गया हमसे जो 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 तो देखाया अभी अभी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे क्या है, कहां से कौन सा रूम कैसे, बट जो भी है अच्छा है। यहाँ पे रेलिंग्स लगा करके सही लगेगा ये तो। नहीं नहीं, ये नहीं गिरता, नहीं जाता। मौसा जी हमारे खुद ही इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर खुद से किया ना इन्होंने डिजाइन मौसा जी पीट करके खड़े हो गए A few moments later. तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे से ऊपर हो रहा है टाइम। तो मैं अभी एडिटिंग कर रही थी ब्लॉग की एंड मुझे पता है जो आज का ब्लॉग है ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ यार, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जब लग जाती हैं, कोई कैमरा के आगे नहीं आना पसंद करता है तो फिर हम फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा मूड सा ऐसे हो गया कि अब क्या ही बनाऊँ ब्लॉग में, मतलब मैं कितनी ही बातें करूँ या मम्मी को कितनी ही बार में कैमरा के आगे लूँ। सो या उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो छोटा सा ब्लॉग बना है आज का। तो आई होप आप लोगों को ये आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और अगर नहीं भी पसंद आया ना तब भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आगे से आपके लिए ब्लॉग बढ़िया से आएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।